बेटा जो पेपर आज हम लोग करने जा रहे हैं दैट्स वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट पेपर, दैट इज फरवरी मार्च 2023 का पेपर है ये, ठीक है। ये पेपर अभी ऑफिशियली आउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यूजुअली होता यही है कि फरवरी मार्च के पेपर जो है ए लेवल्स के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए मैंने बायोलॉजी में भी जब कराया तो फरवरी मार्च वाला पेपर कराया। एंड दीज पेपर आर यूजुअली गिव यू द मोस्ट रीसेंट आइडिया एंड देर आर मल्टीपल इयर्स मल्टीपल टाइम्स दिस हैपेंड के द वे द अप्रोच टू द क्वेश्चन इन फरवरी मार्च पेपर हैज बीन रिपीटेड इन मई जून पेपर। So that is why February March variant is very important, and from the past 4 to 5 years, teachers are always focusing on this paper, the recent February March one, ताकि उससे काफी ज्यादा जो है बच्चों को आइडिया हो जाता है। That's why we are starting with this paper 5. अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर पेपर 5 की तो आपने अलग से कोई इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं ली। बायोलॉजी का पेपर 5 जिस तरह हम करते हैं, जो अप्रोच प्लानिंग के लिए बनाते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। और अगर आपने बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट, तूबा आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है या नहीं है? हानिया एंड तूबा, जी सर है। हाँ तो है, तो यू मस्ट हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट द पेपर 5। द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर 5 इज ऑफ बायोलॉजी, बट केमिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू दैट। अच्छा, मेक श्योर यू ऑल हैव कैलकुलेटर्स विद यू, बिकॉज दिस पेपर इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कैलकुलेशन एंड यू मस्ट हैव द पेंसिल एंड द हार्ड कॉपी। अब ऑब्वियसली अब चूंकि आपको पहले से पता नहीं था कि पेपर कौन सा करना है, तो इफ यू हैव द पेपर 5 बुक विद यू डू हैव दैट, ताकि आप साथ साथ कर भी सको पेपर। इफ यू डोंट हैव दैट बुक आफ्टर वी फिनिश द पेपर, तो आप जो है वो डेफिनेटली इसको एक बार अपने हाथ से सॉल्व करोगे विद लॉजिक। अच्छा, यू विल सी लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स बट यू विल बी रिपीटिंग इन डिफरेंट ईयर्स। तो इसलिए बहुत सारी बातें जो मैं एडिशनल इस पेपर में बताऊंगा, आप देखेंगे बहुत सारी बातें आपको आगे काम आ जाएंगी, वही कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। दिस लॉट ऑफ रिपीटेबिलिटी इन पेपर 5 इन केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जस्ट टू टेल यू इंट्रोडक्टरी introduce the paper. This paper again is of 1 hour 15 minutes. मैंने biology के time भी बताया था कि paper 2 जब आप AS में देते थे that was of 1 hour 15 minutes, और उसके लिए भी 60 marks होते थे, लेकिन ये paper 30 mark का यानी आधे number का paper होता है, आप देख सकते हैं, और उसके लिए आपको इतना time मिलता है। It means examiner wants you to read this paper carefully. This paper is not going to test you or theoretical concepts. Indirectly तो होंगे, लेकिन असल जो approach है वो आपकी planning और skill की है। तो इसलिए ये पेपर के लिए रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो है ना वो टेम्परमेंट के साथ, जल्दबाजी में नहीं, टेम्परमेंट के साथ रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज गिवन एज अ हिंट इन द पैराग्राफ्स, और वो अगर आपने नहीं पहचानी तो डेफिनेटली यू कैन स्ट्रगल, ठीक है जी। तो 30 mark का पेपर है। अच्छा, यूजुअली इसमें दो ही क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री में, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, एंड यूजुअली दोनों क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं, या एक 16 mark का तो एक 14 mark का होता है, और एक क्वेश्चन में आपको ज्यादातर जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और प्लानिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दूसरे में ग्राफ डेटा होता है, टेबल होता है, और ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो यही पैटर्न रिपीट होता है। बिस्मिल्लाह करते हैं। अब चूंकि थ्योरी का पेपर आप दे चुके हैं, तो यू विल बी इजीली अप्रोचिंग के यार कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी से आया है। लेट्स स्टार्ट। सबसे आप क्या कहते हैं, एक्वस आयरन टू आयंस आर यूजुअली केप्ट इन एसिडिक कंडीशंस टू मेक श्योर टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ताकि बार बार उसको देखना देखें तो आपको रहन में रहे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट थी। वी हैव एक्वस आयरन टू आयंस दैट आर यूजुअली केप्ट इन एसिडिक कंडीशंस टू प्रिवेंट देम रेडिली ऑक्सीडाइजिंग टू Fe3। इट मींस इतनी सी बात का कंक्लूजन क्या है कि Fe2 आयंस को हम एसिडिक कंडीशंस में इसलिए रखते हैं ताकि वो रेडिली ऑक्सीडाइज ना हो जाए। ट्रांसलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन Fe2 आयंस रिएक्ट विद Ag एक्वस आयंस इन रेडॉक्स रिएक्शन, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। अब ये जो Fe2 आयंस है ये Ag प्लस आयंस से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म दिस एंड दिस। नोटिस कि ये सॉलिड है, बाकी सारे एक्वस हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Fe2 आयंस एट इक्विलिब्रियम कैन बी फाउंड आउट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन कैन बी फाउंड आउट बाई टाइट्रेटिंग विद अ स्टैंडर्ड। व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन विद नोन कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन हो उसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है बेटा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से मुराद यहां पर वो नहीं है one mole per dm cube वाला, जरूरी नहीं है। रिएक्शन में आपने AS, असल में आप लोगों को ज्यादा इसलिए बताना पड़ता है AS में आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम कहते हैं उस सॉल्यूशन को जिसकी कंसंट्रेशन नोन होती है। टाइट्रेशन में क्या होता है, एक वो दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक ही कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड होती है यानी नोन होती है, और दूसरे की आप फाइंड आउट करते हो। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये सब इस तरह मैं साथ साथ बता जाऊंगा। तो कैन बी फाउंड आउट बाय टाइट्रेशन विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एक्वस पोटेशियम मैग्नेट KNO4। क्या मतलब हुआ कि पोटेशियम पर मैग्नेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें नोन है, यस और नो? रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बोरिंग हो जाएगा, फिर मैं दो पेपर नहीं करा पाऊंगा, एक पेपर में थक जाएंगे हम लोग, ठीक है। दो पेपर या डेढ़ पेपर कराना है लाजमी। KNO4 इज अ डीप पर्पल इन कलर, इज डीप पर्पल इन कलर। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, आगे यकीनन काम आएगी। इट्स डीप पर्पल इन कलर।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन कैन बी फाउंड आउट यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। अब केसी की इक्वेशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और आपने एएस में पढ़ा था कि प्रोडक्ट में जो एक्वस चीजें होती है गैसियस सिर्फ वो आती है, सॉलिड नहीं आते, देयरफॉर यू कैन सी कि ये सॉलिड यहां पर नहीं है। यस और नो? यस सर, वी हैव लर्न्ड यस दैट ना। एंड रिएक्टेंट में क्या गया, Fe2 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई और Ag की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ठीक है, स्टूडेंट कह रही हूँ, अभी तक क्या समझ में आया कि Fe2 रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3 में, उसको रोकने के लिए एसिडिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, फिर उसके बाद एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ रहा है और Fe2 की कॉन्सेंट्रेशन KMnO4 के थ्रू निकाली गई। अब कहता है स्टूडेंट कैरीज आउट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी जो कि आपको बहुत सारे डिटेल देंगी, डेटा भी देंगी। अब उसने ये किया कैसे है, तो अब क्या क्या कहता है, एड 100 cm³ ऑफ 20.2 मोल पर डीएम क्यूब AgNO3। ये क्या चीज, ये क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ अगर मान ले एक कंटेनर है, इसमें क्या है AgNO3, इसमें 100 cm³ डाला है, वॉल्यूम आ गया और कॉन्सेंट्रेशन कितनी बन रही है 0.200 मोल पर डीएम क्यूब। दिस इज वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन, यानी हम इवेंचुअली आगे जाके मोल निकाल सकते हैं। यस और नो? यस सर। ठीक है, 200 cm³ ऑफ 0.2 मोल पर डीएम क्यूब FeNO3 ट्वाइस, यानी एक और कंटेनर है जिसमें FeNO3 ट्वाइस है, जिसमें Fe2 आयन्स होंगे और इसका वॉल्यूम 100 cm³ है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 0.2 मोल पर डीएम क्यूब ही है। सही है जी, दो कंटेनर, अब दोनों को क्या किया, एड किया, एड दिस शिट इनटू दिस शिट, एड दिस इनटू दिस, इसको इसमें एड कर दिया, इसका मतलब है वी हैव अ रिजल्टेंट कंटेनर जिसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 100 एड किया तो 200 cm³। यस और नो? यस सर। ठीक है, चल उसके बाद कहता है लीव कॉनिकल फ्लावर, अच्छा उसके बाद क्या है, इन एड दिस एंड दिस इनटू अ 500 cm³ कॉनिकल फ्लावर, इसको किसमें ऐड किया है 500 cm³, ये जो 200 cm³ हमने ऐड किया है, ये तो मैंने बीकर बना दिया ना, इसको ऐड करते हैं, वी हैव अ कॉनिकल फ्लावर ऑफ वॉल्यूम, यस प्लीज 500 cm³ इसका टोटल वॉल्यूम है और उसमें हमने कितना ऐड किया होगा, 100 + 100 दैट इज 200, वी हैव अ 200 cm³ volume of both the mixture. Chal. Leave a conical flask A for four hours. अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा एक बात और बता दूँ, जब भी आपको कहेगा ना कि रिएक्शन करने के लिए आपको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, वो क्यों छोड़ते हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शन में इट्स वेरी कॉमन, ताकि जो बल्कि पूरा सेंटेंस पढ़ दूँ, लीव कॉनिकल फ्लास्क फॉर 4 hours शेकिंग इंटरमीटेंटली देन लीव कॉनिकल फ्लास्क ए अनटच्ड फॉर 1 hour। अब जनाब अली, कॉनिकल फ्लास्क को 4 घंटे के लिए छोड़ा, दरमियान दरमियान में क्या करें, शेक करें। शेक क्यों करते हैं, याद रखिए इक्विलिब्रियम मिक्सचर के लिए, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव करने के लिए, इक्विलिब्रियम को फास्ट अचीव करने के लिए हम हमेशा शेक करते हैं, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब हमें इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव करना होता है और तो हम क्या कर रहे होते हैं रिएक्शन में, यानी इक्विलिब्रियम का आता है कोलिजन्स की वजह से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कोलिजन, तो अगर हम शेक करेंगे तो एनर्जी देंगे, एनर्जी देने की वजह से कोलिजन तेज हो जाएंगे, तो इंटरमिटेंट शेकिंग का जो मकसद होता है वो होता है कि टू रीच द इक्विलिब्रियम क्विकली। और उसके बाद एक और बात उसने कही है, देन लीव कॉनिकल फ्लास्क ए फॉर अनटच फॉर 1 hour, यानी दरमियान दरमियान में शेक करेंगे फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये क्यों छोड़ रहे हैं, ताकि आप देखें रिएक्शन में गौर करें, इंफॉर्मेशन में, इस रिएक्शन में एक Ag सॉलिड है, ठीक है, अगर हम इसको शेक करते रहेंगे तो आप जानते हैं सॉलिड पार्टिकल सस्पेंशन में मिक्स रहेंगे, अगर हम चाहते हैं कि सॉलिड जो है वो सारा बॉटम पे सेटल डाउन हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा थोड़ा देर में शेक करें ताकि रिएक्शन तेज हो जाए, और रिएक्शन तेज होने के बाद जब सिल्वर सॉलिड बन रहा होगा तो उसको सेटल होने के लिए टाइम चाहिए होगा ना भाई, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको दरमियान दरमियान 1 घंटे के लिए छोड़ रहे हैं ताकि वो प्रॉपरली सेटल हो और हम उसे अलग से पूरा सेपरेट कर सकें। इज दैट क्लियर, आर यू गेटिंग दिस और नॉट, बॉटम पे वो सेटल हो रहा होगा, यस और नॉट? ठीक है, सारा कुछ इक्विलिब्रियम में बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, कुछ ये बात समझ में आ रही है तूबा? यस सर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताना बेटा। यूज अ पिपेट टू ट्रांसफर 25 cm³ ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम कॉनिकल फ्लास्क ए इनटू अ क्लीन 250 cm³ कॉनिकल फ्लास्क, लेबल दिस कॉनिकल फ्लास्क बी। अच्छा अब क्या था, अभी जो कॉनिकल फ्लास्क था कितने वॉल्यूम वाला था, 500 cm³ वाला था, अब कहता है यूज अ पिपेट टू ट्रांसफर 25 cm³। डायग्राम बना लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी इसमें से हमने पिपेट का इस्तेमाल किया, और पिपेट का इस्तेमाल याद रखना, पिपेट के ऊपर ऐसे बल्ब लगा होता है जिसको पिपेट फिलर कहते हैं, तो पिपेट से हमने 25 cm³ जो है वो सॉल्यूशन निकाला, ये कॉनिकल फ्लास्क ए था यहां से निकाला, और इसको किसमें डाल दिया, एक और कॉनिकल फ्लास्क, एक और दूसरी कॉनिकल फ्लास्क दे दी जो क्लीन है, साफ सुथरी है, जिसका वॉल्यूम कितना है टोटल 250, बोलो भाई 250 cm³ है। ठीक है, यहां पर हमने कितना डाल दिया, 25 cm³ पिपेट आउट करके डाल दिया। इज दैट क्लियर, वॉल्यूम कंटेनर का जो है वो
250 cm³ और हमने इसमें डाला कितना पेपर आउट कितना किया है 250 सॉरी 25 इज दैट क्लियर बच्चों यस सर गेटिंग दिस यस सर ओके नाउ Add 5 cm³ of 1 mole per dm cube NaCl to the solution in the conical flask B. A white precipitate. अच्छा ये क्यों डाला? क्योंकि आप देखो रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन के अंदर अब ये सब अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि जब आपने दोनों को मिक्स किया था इस वाले कंटेनर के अंदर कंटेनर ए के अंदर तो रिएक्शन हुआ था और रिएक्शन के नतीजे में वी हैव प्रोड्यूस Fe3 आयंस व्हिच वर डिसॉल्वड क्योंकि एक्वस थे एंड Ag आयन अब Ag सॉलिड से आप जानते हैं जो क्लोराइड आयन होते हैं वो रिएक्ट करते हैं नॉट सॉलिड सॉरी Ag आयन से एजी आइन आपने एस केमिस्ट्री पढ़ी थी कि सिल्वर आइन से रेडिली रिएक्ट करते हैं क्लोराइड आइन टू फॉर्म AgCl जो कि इनसॉल्युबल होता है तो बेसिकली आप व्हाई आर वी यूजिंग NaCl एक्वस क्योंकि अगर आपने आयरन और Ag का रिएक्शन कराया है और उनमें से Ag आइन जो है वो एक्सेस में बच जाते हैं तो उन बचे हुए आइन को कैसे रिमूव करेंगे आपने NaCl डाल दिया NaCl डालने से क्या होगा जो क्लोराइड आइन होंगे वो जाके सिल्वर आइन से रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट और वो भी बॉटम पे क्या हो जाएंगे सेटल डाउन Are you getting this? Yes, sir. भाई क्योंकि आपको मालूम है ना रिएक्शन में we have two reactants ना Fe ions भी हैं और Ag ions भी हैं तो ये जो excess Ag ions होंगे ना इनसे जाके क्लोराइड आयन रिएक्ट करेंगे और AgCl बना लेंगे जो कि white precipitate की फॉर्म में अलग हो जाएगा Using the measuring cylinder to add 20 cm³ of 1 mole sulfuric acid to a conical flask. अब इसके अंदर आपने measuring cylinder का apparatus बहुत important है measuring cylinder लिया और measuring cylinder से क्या किया इसमें 20 cm³ आपने यानी इसमें पहले तो NaCl डाला ठीक है और अब क्या किया आपने इसमें 20 cm³ ऑफ 0.1 mole per dm³ सल्फ्यूरिक एसिड टू अ कॉनिकल फ्लास्क बी ये सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया क्यों डाल दिया एसिडिक कंडीशंस क्रिएट करने के लिए याद है ना एसिडिक कंडीशंस में सारी चीजें हो रही हैं आगे चलते हैं रिंस अ ब्यूरेट एंड फिल इट विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KNO4 अब ब्यूरेट आ गई कहानी में टाइट्रेशन का सेटअप याद है ना वी हैव अ ब्यूरेट वी हैव अ फ्लास्क है भाई तो अभी तक बात किसकी हो रही थी फ्लास्क की हो रही थी और फ्लास्क के अंदर हमने देखो 25 cm³ पेपर आउट करके डाल भी दिया जो फ्लास्क भी है अब हम इसको टाइट्रेट करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें ब्यूरेट चाहिए और ब्यूरेट में हम क्या डालेंगे KNO4 यस और नो क्योंकि उस ऊपर जो सिनेरियो था कि ये रिएक्शन हो रहा था उसमें ये जो आइंस बन रहे थे उनको आप किससे टाइट्रेट कर रहे थे KNO4 से ना तो KNO4 आप डालेंगे व्हिच इज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब यहां एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है सुन लो बेटा याद रखें जब ब्यूरेट का आप बात कर रहे होते हैं ब्यूरेट एंड पिपेट ये मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ब्यूरेट एंड पिपेट ये आप ओ लेवल्स में जानते हैं दीज आर मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स नंबर वन नंबर टू एक और बात याद रखें कि ब्यूरेट को हमेशा जब रिंस करना होगा ब्यूरेट को जब क्लीन करना होगा तो बेटा उस कैमे वाटर से कभी भी नहीं करेंगे डिस्टिल वाटर से कभी भी नहीं करेंगे हमेशा उसी रिंस विद अ केमिकल ये बहुत आता है एग्जाम में विद अ केमिकल दैट इज टू बी पुट Into a burette. यानी अगर burette में मान लो जैसे यहाँ पर KNO4 डालना है तो burette को हम KNO4 से ही rinse करेंगे अगर burette को धोना है तो हम KNO4 से ही धोएंगे और फिर KNO4 डालेंगे क्यों क्योंकि burette बहुत ही माइक्रो जो है ना लेवल पर प्रिसाइज मेजरमेंट ले रही होती है अगर आपने इसको डिस्टिल वाटर से कॉमन सेंस लगाओ डिस्टिल वाटर से अगर आपने इसको रिंस किया और थोड़ा सा डिस्टिल वाटर रह गया थोड़ा सा ही पानी रह गया और फिर आपने KNO4 डाला तो KNO4 आपने तो डाला लेट्स सपोज 25.2 cm³ चेंज कर देगा और आपकी रीडिंग को खराब कर देगा या नहीं करेगा yes, sir, तो याद रखिएगा तुबा कि ब्यूरेट को हमेशा रिंस करते हैं उसी केमिकल से जो केमिकल उसमें डाला जाएगा बाद में टाइड्रेशन में जबकि कॉनिकल फ्लास्क को आप डिस्टिल वाटर से रीड करते हैं अगर कॉनिकल फ्लास्क को रिंस करना है धोना है तो आप डिस्टिल वाटर से करते हैं अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों तो इसके इसका लॉजिक भी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि कॉनिकल फ्लास्क में असल में जो टाइट्रेशन आप करते हो तो आपका जो कॉनिकल फ्लास्क में जो भी वॉल्यूम हो कॉनिकल फ्लास्क आप याद करो ना टाइट्रेशन का सेटअप क्या होता था थोड़ा सा याद दिलाऊं मैं टाइट्रेशन में क्या होता था ये कॉनिकल फ्लास्क होती थी ठीक है ये हमारे पास भाई साहब होती थी कॉनिकल फ्लास्क और इसमें सब्सटेंस एक्स होता था अब सब्सटेंस वाई को सब्सटेंस वाई को हम लोग यहां से डालते थे और सब्सटेंस एक्स के जितने भी मोल थे एक मिनट बेटा मुझे कॉल आ रही है आई नीड यू टू टेक अ कॉल एक मिनट होल्ड फॉर अ सेकंड अस्सलाम वालेकुम मिस अभी हाँ यस सर बेटा हमने किससे रिंस किया किससे रिंस किया KNO4 से रिंस किया KNO4 से हमको वो करना था तो उसी से हमने रिंस कर लिया एड KNO4 टू द मिक्सचर इन दी कॉनिकल फ्लास्क भी अब जनाबे अली टाइट्रेशन शुरू कर दी हमने यानी कॉनिकल फ्लास्क से कॉनिकल फ्लास्क में हमने जो है वो ब्यूरेट से केमिकल डालना
ट्रू कर दिया, कब तक डालेंगे? अनटिल द एंड पॉइंट इज रीच, जब तक एंड पॉइंट ना आ जाए, यानी कलर चेंज ना हो जाए. एम्प्टी द कॉनिकल फ्लास्क बी एंड रिंस इट विद डिस्टिल्ड वाटर. देखो कॉनिकल फ्लास्क को किससे रिंस किया है? डिस्टिल्ड वाटर से. रेडी फॉर द नेक्स्ट टाइट्रेशन, द स्टूडेंट रिपीट द टाइट्रेशन अनटिल कॉनकॉर्डेंट रीडिंग्स वर अचीव्ड, द स्टूडेंट रिकॉर्डेड द डेटा. कुछ आया समझ में? इट्स बेसिकली सेटअप ऑफ टाइट्रेशन. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, अभी तक sir, कोई sir. पार्ट शुरू नहीं हुआ, अब यहाँ से पार्ट शुरू होने वाला है. आई थिंक द फर्स्ट पार्ट इज प्रीटी इजी. फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग है, टाइटर आपने लिखना है, यू जस्ट सिंपली माइनस जी करते जाए. शाबाश. अब आप देख ले, इनिशियल रीडिंग जीरो नहीं है. जीरो पॉइंट नॉर्मली जब आप ओ लेवल में पढ़ते थे तो आप कहते थे 0.0 होती है, लेकिन याद रखिए ब्यूरेट के अंदर 0.0 की रीडिंग लेना इज क्वाइट डिफिकल्ट. ठीक है, मेनिस्कस को रीड करना, इसलिए आप रैंडमली कहीं से भी उठा लेते हैं रीडिंग को, बार दफा जीरो नहीं होता. बिकॉज अगर एग्जाम में पूछ लेता तो आप बोलोगे इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू रीड 0.0 इन द ब्यूरेट. खैर, तो अब माइनस करते जाओ, बता दीजिए क्या आएगा. 10.60 माइनस 0.1 इज 10.5. बताते जाना है बेटा. उसके बाद फिर क्या है बेटा? कैमरा किसी का ऑन हो गया, बंद करें प्लीज. उसके बाद आ जाए टाइट्रेशन, ये रफ टाइट्रेशन का रिजल्ट है. देन वी हैव टाइट्रेशन वन. टाइट्रेशन वन में क्या है? 20.3. बेटा सॉल्व कर देंगे, 20.35 माइनस 10.70 दैट इज 9.6. इज इट 9.6? यस इट इज. देन वी हैव 30.25 माइनस 20.35. 30.25 सॉल्व कीजिएगा, मुझे भी करना पड़ेगा तो फिर मुश्किल है ना भाई. माइनस 20.35 इज 9.9 एंड देन वी हैव 9. तो आप सॉल्व नहीं कर रहे बेटा. माइनस 0.10 इज 9.8. 9.75. इज इट 8.5 था, 9.75. यस 9.75. यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद कहता है कंप्लीट टेबल 1.1 हमने कर लिया, एक नंबर हमें मिल गया. कैलकुलेट अ सूटेबल मीन टाइटर टू बी यूज्ड इन द स्टूडेंट्स कैलकुलेशन. हाँ भाई, हाउ, शो क्लियरली हाउ यू वुड ऑब्टेन द मीन टाइटर. जी कैसे ऑब्टेन करेंगे, क्या करेंगे बताइए. शाबाश. मीन टाइटर कैसे करते थे भाई? टाइटर 1 + 2 + 3/3. जो सब ना जो सबसे क्लोज होंगे ना बेटा, फंस गई ना मेरे बच्चे. आप देखिए सबसे क्लोज कौन से हैं, ये 9.6 है और ये 9.3. आप याद है बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट पे टिक करते थे बचपन में. नहीं नहीं ऑल टाइटर ना, ये ऑल टाइटर कौन है भाई? इस फॉल्व नहीं किया तुमने कभी बेटा? बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट याद है, ओ लेवल में टिक करते थे. तो आप यू देखो 9.9, 10.5, 9.75 एंड 9.6. तो 9.6 और 9.75 आर दोस टू क्लोजेस्ट रीडिंग्स व्हिच वी हैव ऑब्टेन. यस ऑर नो? बल्कि 9.6 भी नहीं होगा, ये तो 20.35 था ना. 20.35 था, मैं माइनस करने में गलती हो गई. 20.35 था ये, माइनस 10.70. हाँ बल्कि 9.6 ही आ रहा है, 9.6 ही आ रहा है ना ये. 9.65 आ रहा है. अच्छा मेरे पास ये डेसिमल प्लेसेस नहीं आ रही कैलकुलेटर में. 9.8. तो दो क्लोजेस्ट रीडिंग ये वाली हो गई. इसका मतलब है आपने सबको टाइटर नहीं करना मेरे बच्चा, सबको जो बेस्ट टाइटेशन है उनको करना है. ठीक है, जब भी लिखा है हाउ क्लियरली यू ऑब्टेन, तो आप क्या करोगे, टाइटेशन नंबर वन और टाइटेशन नंबर थ्री को आपने यूज किया. अभी यहाँ क्लियर है बात? तूबा बात समझ में आ गई? सबको एवरेज नहीं कर देना बेटा. 9.75 चूंकि दो है तो डिवाइड बाई टू होगा. अगर तीनों में इक्वल डिफरेंस होता डिवाइड बाई थ्री होता, और ये कितना आ जाएगा? 9.70. ऐसा ही है, बताइएगा भाई क्या आ रहा है? 9.70 आ रहे हैं. अरे बोलते नहीं हो, अरे बोलो भाई. हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो. यस सर यू आर. जी आंसर बता दीजिए, यही आ रहा है 9.7. चलो अब आगे चलते हैं बच्चे. अब क्या कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय, अब जल्दी से बताओ. एक एक नंबर है, मुफ्त के मार्क्स बढ़ रहे हैं. व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? यस, अ सॉल्यूशन विद नोन कंसंट्रेशन. Suggest why conical flask is left for 4 hours in step 2. See, equilibrium आने के लिए छोड़ेंगे उसको? भाई आपने 4 घंटे के लिए क्यों छोड़ा था? नहीं, ध्यान में रखना था. अच्छा ये दरमियान में हमने 1 घंटे के लिए छोड़ा था,
उसके बाद फिर 4 घंटे के लिए छोड़ा था। हाँ तो 4 घंटे हमने टोटल टाइम क्यों दिया था, ताकि इक्विलिब्रियम तसल्ली से पहुंचे। टू अलाउ, भाई किसकी वीडियो खुल जा रही है बार बार, टू अलाउ इक्विलिब्रियम टू रीच। और वो जो 1 घंटे के लिए छोड़ा था ना हमने, वो हमने किस लिए छोड़ा था बेटा, ताकि एजी सेटल डाउन होता रहे। यस और नो? यस सर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सजेस्ट व्हाई कॉनिकल फ्लास्क ए इज नॉट शेकन ड्यूरिंग फाइनल आर। हाँ भाई, कॉनिकल फ्लास्क ए को फाइनल आर में क्यों नहीं शेक किया हमने, क्या रीजन था फाइनल आर में क्यों नहीं शेक किया? वही बात है, शेक क्यों नहीं कर रहे थे? टू अलाउ ऑल एजी टू सेटल डाउन। यस और नो? भाई हम जब छोड़ रहे थे एक एक घंटे के लिए, तो क्यों छोड़ रहे थे, ताकि एजी क्या होता जाए, सेटल डाउन होता जाए। भाई रट्टा तो नहीं लगा रहे, समझ आ रही बात? आगे चलो। Suggest why are measuring cylinders the most appropriate apparatus to be used for measuring sulfuric acid? कहता है याद है sulfuric acid को उसने कैसे कैसे measure किया था, यहाँ पर sulfuric acid कहाँ था, ये रहा, इसको कैसे measure किया था, measuring cylinder से, बजाय pipette के या किसी और चीज के, उसने इसको किससे measure किया था, measuring cylinder से। तो measuring cylinder से measure करना क्यों जरूरी, क्यों इसमें काफी था जी? हालांकि आप जानते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर तो उतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ है, वर्ड देखना, मोस्ट अप्रोप्रिएट लिखा हुआ है। तो बेटा याद रखिएगा, मेजरिंग सिलेंडर में मेजरमेंट करना आसान होता है, और जब आपका वॉल्यूम डिपेंड ना, जैसे आप जो टाइट्रेशन कर रहे हैं, इसमें जो वॉल्यूम है या इसमें जो मोल्स है, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ब्यूरेट पे कर रहे हैं ना। तो जब ब्यूरेट या पिपिट, जो कॉनिकल फ्लास्क में पिपिट आउट भी आपने किया, पिपिट का वॉल्यूम और जो ब्यूरेट का वॉल्यूम है वो मेजर कर रहा है। एसिडिक H2SO4 तो सिर्फ एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए है। यस और नो? H2SO4 इज नॉट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन इन SH डायरेक्टली, रादर इट इज देयर टू प्रोवाइड एसिडिक कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल टू मोल रिएक्शन में एसिड का कोई खास रोल नहीं है, एसिड इज इन एक्सेस, एसिड एक्सेस में मौजूद है रिएक्शन। जो याद रखिएगा, जो केमिकल ब्यूरेट में होता है ना, हमेशा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, जो केमिकल ब्यूरेट में होता है हमेशा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और कॉनिकल फ्लास्क वाले केमिकल यूजुअली एक्सेस में होते हैं। तो जब और इसीलिए मैंने कहा था कि जो कॉनिकल फ्लास्क के केमिकल है उनका वॉल्यूम मैटर नहीं करता। तो जब किसी कंपोनेंट का वॉल्यूम उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, तो फिर क्या जरूरत है कि हम उसे डिफिकल्टी के साथ ब्यूरेट के जरिए या किसी और प्रिसाइज तरीके के जरिए लें। बल्कि मेजरिंग सिलेंडर वहां पर क्यों यूजफुल हो जाता है, क्योंकि इट इज मोस्ट ईजी इंस्ट्रूमेंट टू टेक आउट दी वॉल्यूम। इट इज नॉट दी एक्यूरेट वन, बट इट इज दी इजी और कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट। इजी और कन्वीनियंट वे में इससे आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, जब आपका वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि प्रेसिजन के लिए आप ड्यूरेट का वॉल्यूम ले रहे हो। तो इसलिए मेजरिंग सिलेंडर फिर आपके लिए अप्रोप्रिएट या सबसे सूटेबल चॉइस बन जाती है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको कहेगा कि मेजरिंग सिलेंडर क्यों यहाँ अप्रोप्रिएट है, तो आप कहेंगे कि कन्वीनियंट टू यूज है, और जो सबसे जो टेक्निकल बात है वो क्या है कि मेजरिंग सिलेंडर में जो चीज आपने ली है लाजमी तौर से वो एक्सेस में है, तो उसका वॉल्यूम मैटर नहीं कर रहा। जो वॉल्यूम या कैलकुलेशन मैटर कर रही है वो ब्यूरेट वाले केमिकल की कर रही है। तो इसलिए आप यहां पर एक नंबर है, दो बातें आपकी एक्सेप्टेबल है। आप ये भी लिख सकते हो कि एज एसिड इज इन एक्सेस, देयरफॉर इट्स वॉल्यूम इज नॉट नीडेड फॉर प्रीसीजन। ये चीजें बार बार आप रिपीट होंगी तो याद हो जाएंगी, क्योंकि एसिड यहां एक्सेस में कैसे याद रखेंगे, याद रखें ब्यूरेट में जो केमिकल होगा हमेशा वही एक्सेस में होगा, सॉरी वही लिमिटिंग होगा। जो केमिकल ब्यूरेट में होता है, क्योंकि आप उसका ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा देते हैं, एज जैसी वो खत्म होता है, जैसी अल्लाह भला करे रिएक्शन कंप्लीट होता है, वैसी कलर चेंज आ जाता है। तो इसलिए जो भी केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको मेजरिंग सिलेंडर से लिया जा रहा है, हाँ अगर वो आपसे ये कहता कि मेजरिंग सिलेंडर से ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे होगी, फिर आप कहते हैं पिपेट से हो जाएगी, आप कहते हैं ब्यूरेट से। लेकिन यहाँ सवाल क्या है कि मेजरिंग सिलेंडर क्यों इस्तेमाल किया, तो आप दूसरा रीजन क्या दे सकते हो, कन्वीनियंट एंड इजी फॉर वॉल्यूम मेजरमेंट। बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। स्टेट व्हाट द ब्यूरेट शुड बी रिंस्ड विद इन स्टेप सी। हाँ भाई, ब्यूरेट को किससे रिंस करना है, ब्यूरेट में क्या डाला था? तो किससे रिंस करेंगे? KMnO4 aqueous। State the color or change of color seen in the mixture in conical flask B at the end point in step 7। हाँ भाई, this is important। Color change क्या आएगा? This is important। Color purple change to colorless। Sorry? Purple to colorless। Are you sure purple to colorless आएगा? Yes sir।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये एक नंबर लेना आसान नहीं है, एक नंबर लेना आसान नहीं होने वाला है। अच्छा मुझे बताओ, क्या केमेनोफोर को एसिडिक कंडीशन में डाला था हमने यहाँ पर? यस सर। अच्छा याद रखना, केमेनोफोर का कलर चेंज समझना, पर्पल होता है ये अपना ओरिजिनल कलर में, फिर ये पर्पल टू कलरलेस जाता है, ट्रांजिशन समझना, और फिर कलरलेस टू, अब मार्किंग सी में नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, पिंक नहीं पेल पिंक, ये तीन ट्रांजिशन है। तो याद रखें, जब भी केमेनोफोर डायरेक्टली रिएक्ट करेगा, लिसन वेरी केयरफुली, जब भी डायरेक्टली रिएक्ट करेगा तो इट यानी डायरेक्टली से बात क्या है कि केमेनोफोर डायरेक्टली किसी केमिकल से रिएक्ट करे और दरमियान में कोई कंडीशन इन्वॉल्व ना हो, जैसे यहाँ पर एसिडिक कंडीशन इन्वॉल्व है, केमेनोफोर एसिडिक कंडीशन में जाएगा तो कहानी डिफरेंट हो जाएगी। तो याद रखिए, अगर डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है तो चेंज विल बी पर्पल टू पेल पिंक, पर्पल टू पेल पिंक, लेकिन अगर दरमियान में कोई भी कंडीशन आ गई जैसे एसिडिक कंडीशन, तो याद रखिए केमेनोफोर एसिडिक कंडीशंस के अंदर कलरलेस हो जाता है और फिर कलरलेस से आगे जाके पेल पिंक में टर्न होगा। मैं फिर कह दूं दोबारा से कि अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन में कलर चेंज लिख रहे हैं तो इट वुड बी पर्पल टू कलरलेस और पर्पल टू पेल पिंक, लेकिन अगर एसिड ऐड हुआ है जो कि होगा एसिडिफाइड केमेनोफोर, तो याद रखिए कलर चेंज पर्पल से शुरू नहीं होगा, इट वुड बी फ्रॉम कलरलेस, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में केमेनोफोर टर्न्स कलरलेस एंड द कलर चेंज वुड बी कलरलेस टू पेल पिंक, इट वुड बी फ्रॉम कलरलेस टू पेल पिंक, कलरलेस टू पेल पिंक, कलरलेस टू पेल पिंक, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां लिख देते हैं, अच्छा एक और बात याद रखें इसको, बल्कि इसको यूं कर लूं, पेल पिंक इज द बेटर वर्ड। आप एक और चीज समझिएगा कि ये केमेनोफोर तो होता है पर्पल, मैं एक और तरीके समझाता हूं बेटा, लेकिन आपको जो कलर चेंज बनाना है वो किसके अंदर बनाना है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, तो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर पहले पर्पल कलर था क्या, पहले कैसा था, ये कलरलेस था ना, और फिर जब ये एड होगा तो इट विल मूव टूवर्ड्स पेल पिंक, यस और नो, तो इस तरह याद रखना भी आसान है या नहीं? हाँ भाई कुबा हानिया भाई, केमेनोफोर जो कलर चेंज हमने बताना है वो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर बताना होता है ना, तो कॉनिकल फ्लास्क में तो पहले क्या था, एफी सॉल्यूशन था, या कॉनिकल फ्लास्क में पहले क्या था, एसिड था, तो वहां तो कलर नहीं था, और जब आप इसमें केमेनोफोर आके गिरेगा तो इट विल गो टूवर्ड्स द पेल पिंक कलर, यस और नो? अभी यह हंसी पर क्या ये बात सेंस बना रही है बेटा? यस सर। चलो वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। The student repeats the experiment using केमेनोफोर at a lower concentration. अब उसने क्या किया? दोबारा experiment repeat किया, but this time he used the lower concentration. The student obtains a larger mean titer. Suggests one reason why a larger titer is better than a smaller titer. जी, क्या कहा उसने? कि student ने दोबारा experiment repeat किया है और concentration को change कर दिया, low कर दिया, और फिर obtain a large mean titer का मतलब क्या होता है? कि जो हमने mean अभी लिया, वो दो titers से लिया ना? अगर जितनी क्या मुझे बताएं, जितना ज्यादा हमारे पास डेटा होता है और जितने ज्यादा डेटा से हम मीन बनाते हैं उससे क्या होता है, एक्यूरेसी और ज्यादा, जो रिलायबिलिटी है और ज्यादा, पढ़ा है ना हमने ओ लेवल से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब आपके पास रिपीट दी एक्सपेरिमेंट की कहानी होती है तो उससे क्या होता है, एक्यूरेसी, नॉट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी याद रखना वो इंस्ट्रूमेंट से होती है, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट बढ़ जाती है। तो जब उसने सवाल पूछा कि लार्ज मीन टाइटर का फायदा क्या है, तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज दी रिलायबिलिटी ऑफ results, or you can also say decrease percentage error. क्या ख्याल है, error के chances क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या यू कह लो कि reliability of the result क्या होगी, बढ़ जाएगी। भाई याद है reliability पे हम बात करते थे, repeat repeat repeat, yes sir, याद है। हानिया पूछ रही है acid का involve, बेटा ये रहा ना acid, ये देखो ना, using measuring cylinder 20 cmq of 10 mole per cmq 1 mole per dm cube sulfuric acid is added to conical flask B. Conical flask B में आपने एक तो पहले solution डाला है, ये रहा 25 cmq, फिर उसमें acid डाला है, फिर उसमें केमेनोफोर डाला है, ठीक है। चलो बेटा समझ आ रहा है? अब देखो ये कितने मार्क्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क तो यही पूरे हो गए, 9 मार्क तो यही पूरे हो गए। आई ये बात समझ में नहीं आई, और उसके बाद और आसान पार्ट आ रहा है, मोल जिसको आता है उसके लिए तो आगे और गेम आसान होने वाली है। अब शुरू करते हैं, अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर पकड़ के रखना और जवाब देते जाना। When another student carries out the titration of 0.200 mole, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन,
The mean titer is 21.16. ये आ गया volume. The ionic equation for the reaction MnO4, this is shown. ये आ गया. Calculate the concentration of Fe2+. इसकी concentration निकालनी है, इसका data दिया हुआ है. क्या करेंगे सबसे पहले? इसके moles निकालेंगे. क्या formula होता है हमारे पास? Cb upon, बोलो, 1000. अरे बोलना पड़ेगा भाई. C कितना है? 0.02. और V कितना है? 21.10 divided by 1000. Solve कीजिए. कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? सॉल्व कीजिए. 4.22 times 10 to the power negative 4. 4.22 10 के बाद माइनस 4. माइनस 4. ये आ गया किसके मोल बेटा? इसके. अब क्या कहते हैं? मोल टू मोल रेशियो लेते हैं. कितना रेशियो है MnO4 और इसके दरमियान में? 1:1. बोलो 1:5 है ना. यहां पर हमारे पास है 4.22 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 इस 2x. सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? एक्स बताइए. टू पॉइंट वन वन टाइम्स टेन टू द पावर नेगेटिव थ्री. कितना? दोबारा बोले. 2.11 टाइम्स टेन टू द पावर नेगेटिव थ्री. नेगेटिव थ्री. ये क्या गए बेटा? व्हाट इज दिस? मोल्स ऑफ हानिया Fe2. अब निकालना में मोल नहीं था, निकालना क्या थी? कॉन्सेंट्रेशन. इट मीन्स वी नीड व्हाट? वॉल्यूम. व्हाट इज द वॉल्यूम? व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ Fe2 व्हिच वी हैव टेकन इन दिस टाइट्रेशन? 25 cm क्यूब. याद है पिपेट आउट किया था ऊपर? यस सर. सो क्या करेंगे बेटा? कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला वुड बी Cb अपॉन 1000 होता है. C निकालना है तो फॉर्मूला वुड बी N अपॉन V into 1000. ठीक है जी. What is n? 2.11 exponential minus 3 into v is 25 divided by 1000 and the answer is 0.08. So not divided by 1000, multiply by 1000. Sorry. क्या लिख दिया मैंने? Multiply by 1000 and divide by 25. जी. The answer is 0.08444. जी तू का हानिया इज इट द आंसर बेटा? हेलो बेटा, क्या ये आंसर आ भी रहा है? नहीं आ रहा? बोलो. हेलो. यस सर. आ रहा. अरे तो बेटा पार्टिसिपेट करो ना. आप करोगे तो समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा. यहाँ तक अभी यहाँ आसान लग रहा है? डुएबल लग रहा है? यस सर. अच्छा, सजेस्ट व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एजी आयन. भाई Fe2 आयन की निकाल ली है, कह रहा है एजी आयन की क्यों निकाल रहे इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एक्सपेरिमेंटली. तो देखो इक्वेशन, देखो इक्वेशन में आर दे रिएक्टिंग, क्या रेशियो रिएक्शन करने का? 1:1 का. तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी उतनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी भी होगी. बोलो. Yes, sir. तो इसलिए अलग से निकालने की जरूरत एक्सपेरिमेंटली नहीं है. तो आप क्या लिखोगे? सेम एज Fe2 प्लस एक्वस कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. डिटरमाइन द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 फ्रॉम द इनिशियल सॉल्यूशन, हेंस डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर. इफ यू आर अनएबल टू ऑब्टेन योर एन आंसर टू H पार्ट 1 तो हमने निकाल लिया है. ठीक है. यूज Fe दिस. This is not the correct answer. ये correct answer नहीं है. अब उसने क्या कहा है? Fe3 की concentration पूछी है. लेकिन उससे पहले उसने दो चीजें पूछी. Determine the decrease in concentration. Decrease in concentration कितना हुआ है Fe2 में? देखो बेटा, अभी जो concentration equilibrium पे आई है, that is 0.0844. और शुरू में कितनी थी? शुरू में दी भी थी? शुरू में कहाँ थी भाई? शुरू में दी भी थी? कहाँ गई? ये देखो, शुरू में कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई थी? 0.02 थी ना? यस सर. 0.2. लेकिन ध्यान रखना, 0.2 थी 100 cm क्यूब में. जब हमने इन दोनों को मिक्स किया था, 100 और 100 को 200 हो गया था. तो कॉन्सेंट्रेशन सेम रही होगी या डाइल्यूट हो गई होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दोबारा देखो, यहाँ 100 था, यहाँ 100 था. ये 0.2 थी 100 में. तो जब इसको यहाँ पर एक साथ मिक्स किया था 200 में, तो ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई होगी? 0.2 से 0.1.
क्या ख्याल है भाई? वॉल्यूम डबल होगा तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी ना तूबा? यस सर। या इसी तरह ये भी 0.2 थी 100 में, जब इसको भी जब 200 में किया होगा तो ये भी 0. क्या हो गई होगी? 1 हो गई होगी। तो अब जब इसने पूछा है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये बात इंपॉर्टेंट थी, ऊपर ऊपर मैंने मेंशन नहीं की, अभी याद आई तो बता दिया। तो आपने पूछा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो पहले कितनी थी? 0.1 थी, 0.2 नहीं, मिक्स करने से पहले 0.1 थी, और अब कितनी है? 0.0844। तो माइनस करें कितनी आ जाएगी बोले? माइनस करें कितनी आ रही है? 0. बोलो भाई माइनस करो कितनी आ रही है? 0.0156 आ रही है। और अब आपको बतानी किसकी है? Fe3 की। बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप जानते हो ये आपस में किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं, 1:1 के रेशो में। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो इसकी भी क्या होगी फिर? 0.1। इसकी 0.01 यानी इसकी एक्स होती है तो इसकी भी क्या होती है? एक्स होती है। सुनो yes, इसको यूं समझ लो कि आपने माइनस करके निकाला है ना, बेसिकली जो आपने माइनस करके निकाला, याद करें इक्विलिब्रियम में आप बनाते थे ए माइनस एक्स और ये एक्स होता था, आपने जो इनिशियल और फाइनल माइनस करके निकाला दैट वाज 0.0156। इसका मतलब दैट जो यहां से माइनस हुआ यहां पर क्या हुआ होगा? ऐड हुआ होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। ये बेसिक यहां पर भी आंसर क्या आ जाएगा? 0.0156। फिर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के सी इन इंक्लूड यूनिट्स इन योर आंसर। ये तो आसान हो गया। अब आपको सारी कॉन्सेंट्रेशन मालूम है इक्विलिब्रियम की, अब केसी निकाल लें। फॉर्मूला केसी का क्या होता है? ऊपर लिखा हुआ भी था, ऊपर Fe3 आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, ठीक है, ब्रैकेट प्रॉपर बनाना, नीचे Fe2 आएगा और Ag+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है। यस ऑर नो? अब वैल्यू पुट कर दो, Fe3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.0156। यस ऑर नो? और नीचे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई थी इक्विलिब्रियम पर? 0.0844 है ना? जो 0.015 थी वो तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन था ना, कॉन्सेंट्रेशन बची कितनी थी? 0.0844। याद रखे दोनों की सेम थी, एजी की भी उतनी थी, इसकी भी उतनी थी। तो सॉल्व कर लेंगे, ऊपर मोल पर ड्रिंक क्यूब, नीचे 2 मोल पर ड्रिंक क्यूब, तो यूनिट क्या बचेगा? मोल माइनस 1 dm³ यूनिट बचेगा। और केसी का आंसर बता रहे क्या आएगा, कैलकुलेट करें केसी का आंसर 2.19 आ रहा है। जी सर। यस सर 2.18। एवरीबॉडी चलो। यस सर। भाई पहला सवाल कंप्लीट हो गया, कैसा लगा सवाल? ये बहुत मुश्किल था यार, रिलेटिवली आसान है। सर सारे क्वेश्चन वन टाइट्रेशन के होते हैं या सिर्फ इस वाले में? अब रिपीटेबिलिटी बहुत है, हर क्वेश्चन में टाइट्रेशन का भी एंगल घुसा हुआ होगा, और अभी अगला ग्राफ वाला आ रहा है उसमें टेबल डेटा होगा। मैथ्स बहुत है, मैंने इसलिए कहा था ना केमिस्ट्री का पेपर 5 इज नॉट डिफिकल्ट। एक पेपर जिसमें गारंटी है ना कि ए आ जाएगा वो आपका केमिस्ट्री पेपर 5 होता है। अगर तो आप बिल्कुल ही नल्ले नहीं है, अगर आप बिल्कुल नल्ले फिर कुछ नहीं कह सकते, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, मोल्स नहीं आता, फिर आप फंसेंगे, वरना इट्स गोइंग टू बी रियली इजी। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड, बेटा इंटरेक्टिव रहना है, आयोडाइड आइंस एंड एक्वस हाइड्रोजन परोक्साइड, रिएक्शन हो रहा है किसके दरमियान? आयोडाइड आइन हाइड्रोजन परोक्साइड टेक्स प्लेस इन एसिडिक कंडीशन। यहाँ पर भी एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, ये कंडीशन है और ये दोनों रिएक्टेंट है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन देखें, अ स्टूडेंट कैरीज आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद है रिएक्शन काइनेटिक्स, अब देखो थ्योरी का इंडायरेक्ट लिंक आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते थे एक्सपेरिमेंटली, ग्राफ बना के भी डिटरमाइन होता था, डेटा से भी डिटरमाइन होता था। यस ऑर नो? यस यू मे। यस सर। तो विद रिस्पेक्ट टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड, तो कहता है कि भाई स्टूडेंट ने डिटरमाइन किया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड आयन। द स्टूडेंट डज दिस बाय मेजरिंग द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आयोडीन टू फॉर्म। स्टूडेंट ने कैसे डिटरमाइन किया रेट ऑफ रिएक्शन, कि भाई उसने टाइम मेजर किया है, क्या मेजर किया है? टाइम मेजर किया है दैट इज हैज बीन टेकन टू फॉर्म फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आयोडीन। या देखो आयोडीन बन रहा है ना, तो उसने आयोडीन कितने टाइम में बन रहा है, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग बेटा, उसका टाइम मेजर किया है। यस ऑर नो? ये उसने बताया। उसके बाद क्या है, नोन अमाउंट ऑफ एक्वस, अब एक नया केमिकल आ गया, नोन अमाउंट ऑफ एक्वस थायोसल्फेट, ठीक है, इन द रिएक्शन मिक्सचर रिएक्ट विद आयोडीन, अ नोन अमाउंट ऑफ एक्वस थायोसल्फेट। अब ये आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है, देखो आयोडीन प्रोडक्ट है, आयोडीन से थायोसल्फेट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम रिएक्शन फॉर्म इन द रिएक्शन वन, रिएक्शन वन में जो आयोडीन बना है उससे ये थायोसल्फेट रिएक्ट कर रहा है। आफ्टर ऑल ऑफ द H2O थायोसल्फेट आयन हैव रिएक्टेड इन रिएक्शन टू, एनी फर्दर IO2 फॉर्म इज डिटेक्टेड यूजिंग स्टार्च इंडिकेटर।
अब देखो कॉन्सेप्ट यहां पर ये है, अगर गौर से देखें तो जो थायोसल्फेट आयन है वो क्या कर रहा है, आयोडीन को वापस आयोडाइड में कन्वर्ट कर रहा है, यस और नो? यस सर, अब जरा कॉन्सेप्ट समझो, आयोडाइड आयन कैसा होते हैं, आयोडाइन आयन हम कहते हैं कलरलेस है, और यहां पर क्या हो जाता है ये ब्राउन, आयोडीन का कलर हम क्या लेते हैं, ब्राउन। तो इसका मतलब है अगर ऑब्जर्वेशन वाइज चलें तो कलरलेस टू ब्राउन होगा, फिर ब्राउन जो होगा उससे थायोसल्फेट रिएक्ट करेगा, थायोसल्फेट जब रिएक्ट करेगा उसे वापस आयोडेट में कन्वर्ट, आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो वापस कलरलेस हो जाएगा। बोलो यस अब सर, उसने क्या कहा, इसका मतलब क्या हुआ, जब तक थायोसल्फेट रहेगा तब तक सोल्यूशन आयोडीन किसमें कन्वर्ट होते रहेंगे, कलरलेस आयंस में। इसीलिए क्या कहता है, आफ्टर ऑल दी एस टू ओ थ्री आइन्स हैव रिएक्टेड इन दी रिएक्शन टू एनी फर्दर आई टू फॉर्म इज डिटेक्टेड ड्यू, यानी जब थायोसल्फेट सारा रिएक्ट कर जाएगा तब अगर बचा हुआ हमारे पास आयोडीन है तो फिर उसे जो है ना हम डिटेक्ट कर पाएंगे स्टार्च इंडिकेटर के जरिए, वरना तो आयोडीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, आयोडाइड में। आई बात समझ में नहीं आई, समझे नहीं समझे, यस सर, आयोडीन को आप डिटेक्ट करते हो ना स्टार्च इंडिकेटर से, स्टार्च एथोलॉजी में पढ़ा है, तो अगर आयोडीन को वो रहने ही नहीं दे रहा, उसको फटाफट कन्वर्ट कर दे रहा है किसके अंदर, आयोडाइड के अंदर, तो फिर जब तक थायोसल्फेट मौजूद है आयोडीन डिटेक्ट नहीं होगा, जब सारा थायोसल्फेट रिएक्ट कर जाएगा देन आयोडीन वुड बी डिटेक्टेड बाय स्टार्च इंडिकेटर, यस और नो? यस सर, हां बेटा रिस्पॉन्स सही। अब देखो आगे कहते हैं फॉरिंग मटेरियल आर यूज, अब क्या क्या यूज किया है, 50 cm³ बीकर कंटेनिंग दी, करेक्ट 50 cm³ का बीकर है हमारे पास, ठीक है, इसमें डाइल्यूशन वगैरह भी आ जाती है, डाइल्यूशन C1V1 वाले फॉर्मूले याद है, फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, C1V1 इज इक्वल टू C2V2, पिछले साल प्रैक्टिकल नहीं किया वरना तो प्रैक्टिकल में सारे पढ़े हुए होते हैं। तो आगे चलते हैं, सो 50 cm³ बीकर कंटेनिंग द करेक्ट मास ऑफ सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड, अब हमारे पास 50 cm³ बीकर है जिसमें सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड है, नीडेड टू मेक 250 cm³ ऑफ 250 cm³ ऑफ 0.1 मोल पर dm³ Ki, हम क्या करेंगे, इस बीकर में जो सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड मौजूद है इसको यूज करके क्या करेंगे, सोल्यूशन बना लेंगे 250 0.1 वाला, फिर उसके बाद क्या क्या किया है, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम थायोसल्फेट, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब H2O2, 0.2 मोल डीएम क्यूब ऑफ H2SO4 स्टार्च इंडिकेटर डिस्टिल्ड वाटर, इज दैट क्लियर, ये मटेरियल गिवन है आपको। अब सवाल पे चलते हैं जल्दी जल्दी, अ सेकंड स्टूडेंट लुक एट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन वन एंड स्टेटेड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आइन मस्ट बी द सेकंड ऑर्डर बिकॉज द बैलेंस इक्वेशन कंटेन टू आय, सजेस्ट व्हाई अ बैलेंस इक्वेशन अलोन कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर, क्या हम डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन से ऑर्डर बता सकते हैं, बोलो क्या हम अगर लिखा हो a+2b तो क्या हम यूं कर लेंगे कि ऑर्डर इज इक्वल टू, आपको याद है ना ऑर्डर सम ऑफ एक्सपोनेंट्स होता था, तो क्या हम डायरेक्टली बैलेंस इक्वेशन से ऑर्डर निकाल लेंगे 2+1 3 है, या हमें एक्सपेरिमेंटल या ग्राफिकल डेटा चाहिए होता है, बोलो एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑर्डर याद करो, चाहिए ऑर्डर क्या निकालते हैं, सर ने क्या बताया था, हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा रिक्वायर्ड होता है, या हमें अल्लाह भला करे आपका वो मैकेनिज्म चाहिए होता है, याद है जिसमें स्लो स्टेप से हम बताते थे कि द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, और स्लो स्टेप में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते थे उससे उससे हम बताते, तो अगर हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन बनी हुई है बैलेंस इक्वेशन तो क्या हम उससे डायरेक्टली ऑर्डर बता सकते हैं, बोलो यस सर, हमें बैलेंस इक्वेशन से बता सकते हैं या मैकेनिज्म या एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए, नहीं सर, एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए। यस वी नीड एक्सपेरिमेंटल डेटा, ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली और थ्रू रिएक्शन मैकेनिज्म, या तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म दिए होते थे याद करो अभी, जिसमें स्लोएस्ट स्टेप देखकर आप बताते थे कि भाई स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होता है और उसमें जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उससे आपको ऑर्डर का अंदाजा होता है, तो यहाँ उसने क्या कहा कि दूसरे स्टूडेंट ने कंक्लूजन दिया कि भाई क्योंकि 2i है तो ऑर्डर सेकंड है, तो क्या उसने अलोन ये काफी होगा, तो बिल्कुल काफी नहीं होगा, इज दैट क्लियर, यस सर, यस अभी बात समझ में आई है, ऊपर से ये बताओ मुझे, सच बताना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सर, ठीक है, जो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उससे हम ऑर्डर नहीं निकालते, हम या तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकालते हैं या फिर हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म्स पता होते हैं हमें, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या कहता है, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट मेक 250 cm³ ऑफ 0.1 मोल पर dm³ Ki एक्वस सॉल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द सैंपल ऑफ सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड इन अ 50 cm³ बीकर, गिव द नेम एंड साइज ऑफ एनी की अपरेटस यूज्ड, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट इंश्योर्स द वॉल्यूम एक्जैक्टली 250 cm³, यू मे विश टू राइट योर आंसर यूजिंग अ सीरीज ऑफ, तीन स्टेप लिखने, तीन नंबर है,
भाई कहता है सॉलिड, आप सोचो एक बीकर में उसने क्या कहा है, हमारे पास सॉलिड क्या मौजूद है, 50 cm³ सॉलिड, क्या पोटेशियम आयोडाइड मौजूद है, और इससे हमें क्या करना है, इससे हमें बनाना है, बोलो भाई, 250 cm³ सोल्यूशन बनाना है ना। अब सोल्यूशन बनाने के लिए उसने कहा है क्या इस्तेमाल करेंगे बताइए, तो सबसे पहले तो आप सॉलिड को किसमें डिजोल्व करें बेटा, बोलिए, सबसे पहले सॉलिड को किसमें डिजोल्व करें, डिस्टिल्ड वाटर गिवन था, तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या लोगे, डिजोल्व अ फिक्स्ड मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन डिस्टिल्ड वाटर, या यूं कह लो डिस्टिल्ड वाटर इन अ बीकर। सबसे पहले तो आप उसको क्या करें, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल के क्या बना लें, अरे बोलो सोल्यूशन, क्या बना लें, सोल्यूशन, और फिर इस सोल्यूशन को कहां ट्रांसफर करें, जब आपने सोल्यूशन बना लिया तो अब आपको क्या चाहिए होगा, एक 250 cm³ वाला फ्लास्क, कितना फ्लास्क चाहिए होगा, 250 cm³। अब 250 cm³ वाले फ्लास्क में आप यहां पर इसको इन्वर्ट कर दें, अब क्या ये 250 cm³ वॉल्यूम हुआ, नहीं हुआ, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें मजीद डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे जब तक के ये टॉप ऑफ दी मार्क, जो कि 250 cm³ का मार्क है, वहां तक ना आ जाए, यस और नो, ठीक है, तरीका याद रखिएगा। तो पहले आपने इसका सोल्यूशन बनाया, देन आप क्या कहोगे, ट्रांसफर इट विद ऑल वॉशिंग, वॉशिंग का मतलब क्या होता है कि आपने ट्रांसफर किया, थोड़ा बहुत रह गया तो उसको भी आपने रिंस करके ट्रांसफर कर लिया, ट्रांसफर इट विद ऑल दी वॉशिंग इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या कॉनिकल फ्लास्क, कुछ भी लिख लें, ऑफ 250 cm³ वॉल्यूम, ठीक है, 250 cm³, लेकिन वॉल्यूम 250 cm³ नहीं हुआ, अब क्या करना होगा, जितना डाल दिया डाल दिया, अब उसके बाद बाकी टॉप अप क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर, टॉप अप डिस्टिल्ड वाटर टू दी मार्क टू मेक श्योर 250 cm³ वॉल्यूम। बात आई, समझ में नहीं आई, क्या आपने क्या किया, आपने फिक्स मास को डिस्टिल वाटर में पहले डिजोल्व कर सोल्यूशन बनाया, जितना भी था सॉलिड को डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व करके आपने उसको शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने के बाद सारी वॉशिंग यानी जितना भी उसमें रह सकता था उसको भी दोबारा से वॉश करके डाल दिया, और फिर उसमें पानी डालकर उसको बिल्कुल टॉप तक फिल कर दिया 250 cm³ के मार्क तक, जिससे आपने मेक श्योर किया कि 250 cm³ जो है वो उसका पूरा है, तो हमने अपरेटस का नाम भी लिख दिया, साइज भी लिख दिया, आज भी क्लियर, तीन बातें किस चीज के लिए मिलेंगी बेटा आपको, पहला आपको डिजोल्व वाला पॉइंट लिखने के लिए मिलेगा, दूसरा ट्रांसफर करने के लिए, और तीसरा उसको टॉप अप करने के लिए, तीन मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे, आर वी क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो ये आ गया, ये सारा कुछ आ गया, और ये डेटा शेट आ गया, टेबल वेबल आ गया, ग्राफ भी होगा यकीनन, ये देखो ग्राफ भी आ गया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। स्टूडेंट कैरीज आउट द एक्सपेरिमेंट वन यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, अच्छा क्या किया उसने फॉलोइंग स्टेप में, एड 25 cm³ 0.2 H2SO4 इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क, ये फ्लास्क में डाला, एड 20 cm³ डिस्टिल वाटर इन अ कॉनिकल फ्लास्क फ्रॉम अ ब्यूरेट, अब 20 cm³ ऑफ डिस्टिल वाटर टू द कॉनिकल फ्लास्क फ्रॉम ब्यूरेट, 20 cm³ जो है वाटर डाला ब्यूरेट से डाला फ्लास्क के अंदर, एड 5 cm³ ऑफ 0.1 मोल पर dm³ KI टू द कॉनिकल फ्लास्क फ्रॉम ब्यूरेट, यानी इसको जिस चीज को ब्यूरेट से मेजर करके डाल रहे हैं इसका मतलब वो हाईली एक्यूरेट वॉल्यूम है, यस और नो, हाईली क्या है, एक्यूरेट वॉल्यूम है। उसके बाद क्या था, एड 5 cm³ ऑफ 0.1 मोल पर dm³ सोडियम थायोसल्फेट टू द कॉनिकल फ्लास्क फ्रॉम ब्यूरेट, ठीक है, इसको भी ब्यूरेट से डाला, एड 2 cm³ ऑफ स्टार्च इंडिकेटर, 2 cm³ स्टार्च इंडिकेटर डाला, यूज अ ब्यूरेट to add 10 cm³ of 0.2 mole per dm³ H2O2 to a small beaker, add the contents to the beaker to the conical glass and start timer immediately, stop the timer when the starch indicator shows the presence of I2, वही जो ऊपर सिनेरियो चल रहा था, याद है सिनेरियो क्या था, कि भाई रिएक्शन होना था H2O2 से और H2O2 आयोडीन फॉर्म कर रहा था, लेकिन उस आयोडीन को थायोसल्फेट क्या कर रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था ना वापस, तो जब तक थायोसल्फेट रिएक्ट नहीं करेगा तब तक वो ब्रेक डाउन होता रहेगा, और जैसे ही थायोसल्फेट खत्म हो जाएगा वैसे ही स्टार्च इंडिकेटर क्या करेगा, कलर चेंज दे देगा, यही सिनेरियो था ऊपर जो हमने पढ़ लिया था, यस सर, चलो बेटा इसलिए ध्यान से पढ़ना, ऊपर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो नीचे जवाब जल्दी जल्दी हो जाएंगे, तो क्या कहते हैं, स्टूडेंट कैरीज आउट फर्दर 6 एक्सपेरिमेंट बाय रिपीटिंग स्टेप 1 टू 7 यूजिंग द वॉल्यूम शोन इन टेबल 2.1, अब ये वॉल्यूम दिए हैं, अब देखो गौर से एक चीज देखो, ये वॉल्यूम ऑफ एच2ओ4 फिक्स है फिक्स है फिक्स है फिक्स है, वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड चेंज कर रहे हैं, लेकिन जरा एक चीज गौर करना, इन दोनों को एड अप करो कितना बनता है, 25 बनता है,
बोलो भाई 25 बनता है। यस अच्छा सर, ये वाला वॉल्यूम भी चेंज, ये बनता वाला वॉल्यूम भी सेम रखा हुआ है, ये वाला वॉल्यूम भी सेम रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम टेकन जो हम निकाल रहे हैं, शुरू में बताया था कि टाइम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज आर डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये किसकी बुनियाद पर निकल रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ के आई, तो ये हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो होते हैं ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जब ये सेम रखा तो ये कुछ भी नहीं है, ये सेम रखा तो ये कुछ भी नहीं है, ये सेम रखा तो ये कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ आपको कि जो वेरिएबल आप चेंज करते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, जो मेजर करते हैं वो डिपेंडेंट होता है। तो आपने मेजर क्या किया है, यू हैव मेजर दी टाइम टेकन एंड यू हैव चेंज दी वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड बाय एडिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, यस और नो। यस सर, क्लियर। हाउ दी स्टूडेंट कुड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी, क्या रट्टा लगाया, रिलायबिलिटी कैसे इंप्रूव होती है, रिपीट टेक मोर देन वन मीटिंग एंड एक्सपेरिमेंट एंड टेक मीन, स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एक्वस, यस और नो। यस सर, इन एक्सपेरिमेंट फाइव द स्टार्च इंडिकेटर चेंज का, एक्सपेरिमेंट फाइव, एक्सपेरिमेंट फाइव देखते जरा, एक्सपेरिमेंट फाइव में क्या देखा आपने, देखो यहाँ पर देखो 257, 120, 112, 76, अचानक से वन हो गया, यानी 1 सेकंड में कलर चेंज आ गया। 1 सेकंड में कलर चेंज का मतलब क्या हुआ, देखो जो थायोसल्फेट था S2O8 वो रेजिस्ट कर रहा था ना कलर चेंज को, यस और नो, यस सर, राइट। कलर चेंज क्यों नहीं आ रहा, थायोसल्फेट वॉज, जब तक उस थायोसल्फेट वॉज देयर, जब तक वो रिएक्ट नहीं कर रहा था तब तक जनाब अली कलर चेंज नहीं आ रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता जब हमने पोटेशियम आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है तो रिएक्शन जो है वो जल्दी हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड ज्यादा था, थायोसल्फेट जल्दी खत्म हुआ था, इसलिए टाइम टेकन फॉर द कलर चेंज भी क्या होता जा रहा है, कैन यू सी दिस, कि वो कम होता जा रहा है, क्या उसको कम होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, यस सर, जैसे जैसे हम पोटेशियम आयोडाइड बढ़ा रहे थे। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, 1 सेकंड में कलर चेंज आ गया, ये कब पॉसिबल, नंबर वन ये एनोमलस है या नहीं है, यस है और इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका मतलब कोई गलती हुई है, गलती क्या हुई होगी, अगर 1 सेकंड में यानी फॉरन ही कलर चेंज आ गया, इसका मतलब हो सकता है स्टूडेंट जो है वो थायोसल्फेट ऐड करना ही भूल गया हो, अगर वो थायोसल्फेट ऐड करना भूल गया होगा जो 5 सेम क्यूब डालना है, तो क्या होगा, थायोसल्फेट वुड नॉट बी देयर और फॉरन से कलर चेंज आ जाएगा, यस और नो। सर, लेकिन लिखा हुआ तो एक है। नहीं आगे आएगा नॉर्मलेस पॉइंट, वो लिखे उसको छोड़ो, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी ना 5 सेम डालना था, अब डाला है या नहीं डाला वो तो डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, ओके यस सर, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट फाइव सजेस्ट विच स्टेप वॉज मिस्ड इन एक्सपेरिमेंट फाइव, हाँ जी कौन से स्टेप में, हाँ देखो आगे पूछा हुआ है, कौन से स्टेप में मिस हुआ होगा, स्टूडेंट मस्ट हैव फॉरगॉट टू, बोलो स्टूडेंट मस्ट हैव फॉरगॉट टू, बोलो कौन सा स्टेप छूट गया है, एक्सपेरिमेंट फाइव में कौन सा स्टेप छूट सोडियम गया, स्टेप आयोडाइड नंबर को फोर, ही फॉरगॉट टू ऐड। अब देखो सवाल अगर समझा हुआ नहीं होता तो गड़बड़ हो जाती है ना, सवाल हमने समझा हुआ था कि थायो सल्फेट का रूल क्या है, ऐड थायो सल्फेट, चलो आगे चलते हैं। द रेट इक्वेशन यस रिप्रेजेंट सर, इज दिस, जी बेटा बोलो, नहीं सर, सर गौर सॉरी क्या सर, मेरे को समझ आ गया। समझ में आ गया, ये कह रही हो, हाँ यस सर, चलो आगे चलो। अब क्या कहता है भाई, ये पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है उसमें, लिखा हुआ है गिव योर आंसर टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ टेबल सॉल्व करना है, फिर इसी का ग्राफ बनाना होगा, मेरे ख्याल आसानी से लॉग बी निकालना है, वी की वैल्यूज ये हैं, लॉग बी निकालो भाई, कैलकुलेटर पकड़ लो, लॉग बी का मतलब क्या हुआ, लॉग फाइव निकालोगे सबसे पहले, लॉग फाइव कितना आ रहा है, जी लॉग फाइव इज 0.69, 0.6, 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं बेटा, पूरा आंसर बताओ, 699 आ रहा होगा, 2.699, ठीक है। इसी तरह लॉग टेन निकालो कितना आएगा, करते जाओ करते वन, जाओ, हाँ लॉग 10 इज वन, कितना आ रहा है दोबारा बोलो, लॉग 10 इज वन, 1.00, 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, अगर सिर्फ वन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट, फिर क्या आ रहा है 1.10, फिर आ रहा है 1.18। अब देखो ये तुम देख रहे हो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मस्ट बी रिटन, और यहाँ देखो क्रॉस लगा हुआ है, क्यों क्रॉस लगा हुआ है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट फाइव में गलती की थी ना उसने,
जाहिर है, जब स्टूडेंट को रियलाइज हो यस गया उसने सर, गलती की है तो उसका वॉल्यूम लेने का फायदा नहीं था। फिर क्या आ रहा है, 1.30 एंड 1.40। उसके बाद क्या लिखना है, लॉग 1/t लेना। ये टी दिया हुआ है, 1/t का मतलब क्या हुआ, 1/257। वो ले लोगे कितनी आ रही है वैल्यू, -2.41, हाँ माइनस यस टू सर, पॉइंट जीरो एट -2.05, -1.88, -1.75, -1.64। क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर। चलो अब इसके बाद ग्राफ बनाना है भाई। ग्राफ में आपको कैसे, लॉग 1/t ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम वाला, और लॉग बी वॉल्यूम है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब ग्राफ बनाना है, अब स्क्रीन पे ग्राफ बनाना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम है। आप पेपर पे रखेंगे तो आसानी से बना सकते हैं, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। पॉइंट रख लोगे, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ पॉइंट रखने में, थोड़ा उसको बड़ा कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर पहला पॉइंट रख के दिखाता हूँ मैं आपको। क्या था पहला पॉइंट, 0.699 और पॉइंट -2.41, 0.699। अब 0.699 का मतलब क्या हो गया, 0.7 ही समझ लो। तो ये 0.8 है, ये 0.6 है, तो ये हमारे पास 0.7 बनेगा। क्या ख्याल है, यस और नो? 1 2 3 4 5, यानी एक पीछे आ सर वो गया। एकदम अच्छे होगा ना। हाँ जी, डब्बा पीछे हो स्क्रीन में, असल में वो लाइनें देखते हुए अजीब सा हो जाता है ना आंखों में। 1 2 3 4 5 ये होगा, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ग्राफ बनाना है, ठीक है ना? और याद क्या लिखा हुआ है, यूज अ क्रॉस टू प्लॉट ईच डेटा पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, बेस्ट फिट की लाइन बनानी। तो हमारे पास ये आ गया 0.669, और दूसरा क्या था पॉइंट, उसके वाई एक्सिस का क्या था, पॉइंट -2.41, -2.4। अब देखो दिस इज -2.40, दिस इज -2.6, इसका मतलब है ये होगा 1 2 3 4 5 पर ही होगा -2.5, है ना? और फिर -2.41 कब होगा, ये 5 बॉक्सेस में -2.5 है, तो मतलब है हर एक बॉक्स जो है वो 2 0.02 के बराबर है। तो -2.41 कहाँ बनेगा, इसके दरमियान में कहीं पर, यस और नो? यस सर, तो छोटा सा क्रॉस लगाएंगे, ज्यादा बड़ा क्रॉस नहीं लगाएंगे, छोटा सा क्रॉस लगा रहे हैं। देखो कहां पर लगा रहा हूं मैं, ऐसे -2.41 पे। इज दैट क्लियर? यस सर, गॉट इसी इट। तरह दूसरा पॉइंट रखोगे, तीसरा पॉइंट रखोगे, चौथा पॉइंट रखोगे, पॉइंट रख लोगे, प्लेस कर लोगे पॉइंट। यस सर, उसके बाद सवाल उसने पूछा है, टाइमिंग एरर वाज द मोस्ट एनोमलस पॉइंट ऑन द ग्राफ। एनोमलस पॉइंट आ जाएगा, सर्कल दिस पॉइंट एंड एक्सप्लेन द एरर इन द टाइमिंग व्हिच लेड टू दिस पॉइंट। देखो अब मैं ये मैं तुम्हें रफली समझा देता हूँ। असल में जो इसका ग्राफ बनेगा ना वो इस तरह का बनेगा, और एक पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है? अब अगर एक्चुअल पॉइंट यहाँ आ रहा है और एक दूसरा यहाँ आ रहा है, तो उसूली तौर पे इस पॉइंट को भी कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पर, यस और नो? अगर एक पॉइंट अनोमलस यहाँ आ रहा है तो उसूली तौर पर अगर वो सही होता तो कहाँ आता, यहाँ आता ना लाइन पर। बोलो, लाइक अब एग्जामिनर ये पूछेगा कि भाई सर्कल दिस पॉइंट एंड एक्सप्लेन द एरर इन टाइमिंग, ये एरर क्यों आया है टाइमिंग में। तो इसको बिल्कुल लॉजिकली समझ लें। देखो लॉजिकली समझो कि जब आप ग्राफ देखते हो तो आप देख रहे थे कि टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था, सॉरी बढ़ता जा रहा था टाइम, लॉग 1/t का आंसर बढ़ता जा रहा था। लॉजिक अगर थोड़ा समझ के चलेंगे तो आपका अगर वैल्यू यहां कहीं आ रही है, इसका मतलब है वैल्यू आ रही है माइनस, मान लो यहां कहीं आई है तो वैल्यू आई होगी -2.1, और आपको ग्राफ पे चाहिए थी तो चाहिए थी -2.0। तो -2.0 कब आती वैल्यू, -2.0 कब आती, -2.1 आया उसकी जगह -2.0 कब आता बेटा, लॉजिकली सोच के बताएं कि वैल्यू ऑफ 1/t ज्यादा कब आती, -2.0 कब बनती? जब आप अच्छा पूछ रहे, मेरे सवाल में चेंज कर लेता हूं। अभी जो हमारा टाइम आया, मिसाल तो मैं एनोमलस पॉइंट में यहां आ गया, दैट इज -2.1, ठीक है? और अगर ये लाइन पर आता तो ये आता -2.0 पर, यानी अच्छा मैं उसको थोड़ा सा डेटा से अगर समझाऊं तो शायद बात ज्यादा समझ में आ जाए। ये देखो यहां से देखो, देखो बेटा यहां से समझो कि आपको यहां एनोमलस पॉइंट मिला इस वाले पर, ठीक है? और अगर वो डेटा के अकॉर्डिंग आता तो कहाँ आता, अब आप देखो टाइम आहिस्ता से कम होता जा रहा था, टाइम आहिस्ता से क्या होता जा रहा था, कम। तो अब यहाँ अचानक से कम हुआ था जिससे गड़बड़ पैदा हुई। तो अगर सीरीज में कम हो रहा होता, सीरीज में जा रहा होता, तो यहाँ पर टाइम शुड बी जैसे 76 है या 112 है, 76 है इसके दरमियान, तो
अराउंड 90-90 होता, या अगर 76 और 1 के दरमियान है तो 76-59 के दरमियान की कोई वैल्यू होती, 60-60 की कोई वैल्यू होती। तो समझाना ये चाह रहा हूं कि ऐसा कब होता, ये टाइम टेकन कब जो है हमारा ज्यादा आता, जब यहाँ जो वॉल्यूम हम इस्तेमाल कर रहे थे, मान लो कि एक भाई 10 cm³ पे हमारा 112 का टाइम आया, 12 पर हमारा आया 76 का टाइम, तो अगर मैं इसके दरमियान का वॉल्यूम इस्तेमाल करता तो ये टाइम बेहतर हो जाता, इन दोनों के दरमियान आ जाता। या चलो और आसान कर लेते हैं, मुझे बताओ टाइम के एक्सिस पर हमारी रीडिंग जो है वो आनी चाहिए थी, टाइम के एक्सिस पे हमारी रीडिंग जो है वो ज्यादा आनी चाहिए थी, तो टाइम की मेजरमेंट इसका मतलब है खराब हुई है। क्या मतलब खराब हुई है, या तो स्टॉप वॉच जो टाइम मेजर करने के लिए इस्तेमाल हुई है, या तो उसे बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया गया है, क्योंकि जब जल्दी स्टार्ट करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा ना, जब टाइम बढ़ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आंसर लेंगे तो छोटा हो जाएगा, यस और नो। भाई बहुत सिंपल लॉजिक से याद रखो कि टाइम जो है हमारा वो क्यों नहीं ग्राफ पे कंसाइड करेगा, क्योंकि हमने या तो स्टॉप वॉच बहुत जल्दी स्टार्ट कर ली है, या हमने उसे स्टॉप बहुत लेट किया है, यानी हमने ज्यादा टाइम मेजर कर लिया है, जिसको 1/T में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा आंसर छोटा हो रहा है। वे ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो ग्राफ पे टच नहीं कर रहा, ग्राफ में आंसर हमारा छोटा बन रहा है, बात समझ आ रही है। तो हम उसका रीजन क्या देंगे, या तो स्टॉप वॉच जो है स्टार्टेड टू लेट, सॉरी स्टॉप स्टॉप टू लेट, या फिर स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्टेड टू अर्ली, क्या ख्याल है। यस सर, ठीक है, ये हमारे पास यहां आ जाएगा, आगे चलते हैं, बस खत्म हो गया क्या पेपर, नहीं। अच्छा उसके बाद कोऑर्डिनेट, भाई कोऑर्डिनेट्स निकालना आते ही नहीं आते, अब चूंकि ग्राफ अभी हमने बनाया नहीं प्रॉपर, तो आप कोई भी रैंडम कोऑर्डिनेट, जो ग्राफ याद रखना कोऑर्डिनेट इस तरह से लेने कि ग्राफ का 50% कवर कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी एक्स एक्सेस कोऑर्डिनेट ले लें, और यहां से कोई भी दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई एक्सेस के दो कोऑर्डिनेट पकड़ लें, यहां से पकड़ लें, और ग्रेडियंट, भाई ग्रेडियंट निकालने आते ही नहीं आते हैं, पूरा यस सर, आते मालूम है ना कैसे करना होता है ग्रेडियंट, तो यहां पर ग्रेडियंट यस निकाल सर, के वाइट कैलकुलेट करके बताना है, कोई मसला। नहीं सर, ये हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर समझाने के लिए अगर मार्किंग स्कीम से उठा लेता हूँ ग्रेडियंट, नहीं मार्किंग स्कीम में तो ग्रेडियंट वो अपनी मर्जी पे छोड़ा हुआ उसने, कि आप अपनी मर्जी से करेक्ट ग्रेडियंट सर लेने हैं, एक रेंज दी हुई होती है ना, रेंज दी सॉरी हुई होती है, सिर्फ गिवन अ रेंज, बिकॉज़ लाइक हर रेंज वक्त होती है ना, सेम कोऑर्डिनेट चीज। मस्ट बी करेक्ट, जब कोऑर्डिनेट करेक्ट होंगे तो ग्रेडियंट आपको पता है सेम आएगा, ठीक यस है, तो आप करेक्ट ग्रेडियंट इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 upon वेरी गुड, x2 माइनस आप x। ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, y2 - y1, यानी यहां का y एक्स यहां का माइनस करेंगे, और डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अभी, हाँ डिवाइड बाय, अरे बोलो ना, x1 x1, यानी y एक्सिस कोऑर्डिनेट को उसको माइनस करेंगे, अगर साइन माइनस का लगा, जैसे इसमें माइनस की वैल्यू भी है, जैसे अगर मान लें कि अगर मैं यहां पर इनकी वैल्यू क्या थी, जैसे मान लें कि मैं 0.80 और ये ले लूं -0.240, तो अब 0.8 और यहां से ले लूं 1.20, और अल्लाह भला करे 1.20 कहां कर रहा है, -2 पर, अगर ये कोऑर्डिनेट ले लूं तो ये एक्स एक्सिस जब माइनस होगा तो 1.20 -0.80 हो जाएगा, हाँ भाई, और वाई एक्सिस जब माइनस होगा तो क्या हो यस जाएगा, -2.00, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2.40, यस और नो। यस सर, इसको सॉल्व करके ग्रेडियंट निकाल लेंगे, इस वक्त चूंकि ग्रेडियंट आप निकालेंगे खुद ही, तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि निकाल के लिए ग्रेडियंट अप्रोक्सीमेट 1.1, ग्रेडियंट अप्रोक्सीमेटली 1.1 आएगा इसका, ठीक है, x2 - x1, ठीक है। अब आगे आखिरी पार्ट है मेरे ख्याल है, यस आखिरी पार्ट है, क्या कहता है, द टोटल परसेंटेज एरर फ्रॉम द मेजरमेंट इज डिटरमाइंड टू बी 5.25%, याद रखें टोटल परसेंटेज एरर फ्रॉम मेजरमेंट्स, यानी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जो एरर आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 5.25% तक आ सकते हैं रिजल्ट में, द ट्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ठीक है, ट्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है, यूज दिस एंड योर ग्रेडियंट फ्रॉम डी पार्ट 4 टू डिटरमाइन वेदर द एरर इन द एक्सपेरिमेंट कुड बी अकाउंटेड फॉर बाय द एरर फ्रॉम मेजरमेंट्स और इट इज कॉल्ड बाय द अदर फैक्टर्स, याद रखें आप यहां पर क्या कह रहे हैं आपसे,
आपको कह रहा है यहां पर आप जो है ना वो अपने ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हुए परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें, और परसेंटेज एरर अगर तो आसान सा है, अगर 5.25% के अंदर अंदर आ गया, 5.25% के अंदर अंदर आ गया तो हम कहेंगे एरर जो आ रहा है वो ड्यू टू मेजरमेंट आ रहा है, एरर फ्रॉम द मेजरमेंट आ रहा है, और अगर 5.25% से ज्यादा आ गया तो हम क्या कहेंगे, देयर मस्ट बी सम अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व, यस और नो? यस सर, ठीक है, देयर मस्ट बी सम अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व। हाँ जी, कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? फिजिक्स में सीखा होगा ना? हाँ, सीखा था सर, याद नहीं आ रहा। माशाल्लाह, सीखा था, याद नहीं आ रहा जी। हानिया रिजवान, हाउ डू वी कैलकुलेट दी परसेंटेज एरर बेटा? सन्नाटा छाया हुआ है। हाउ डू, ये जो फिजिक्स का फॉर्मूला है भाई, मैं तो आपको बता दूं अभी, लेकिन फिजिक्स का फॉर्मूला आप भूल गए, इसका मतलब है हाउ डू वी कैलकुलेट दी परसेंटेज एरर? शाबाश, हेलो, क्या इंटरनेट पे फॉर्मूला ढूंढ रहे हो क्या? एरर अपॉन क्या एक्चुअल इनटू 100, तकरीबन सही बताया है, तकरीबन सही बताया है। देखो बेटा इसका फॉर्मूला याद रख लो, इतना मुश्किल फॉर्मूला नहीं होता। इन्होंने जो एक बात लिखी है वो है क्या, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये कुछ हद तक तो बात ठीक है, लेकिन यहां पर तो हमें एरर एरर का कैसे अंदाजा होता है? देखो जो परसेंटेज एरर होता है ना, दैट इज बेसिकली अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अनसर्टेनिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि जो कहते हैं ना आपने फिजिक्स में, क्या टर्म होती है एक अच्छी सी काउंट, क्या नाम है इसका यार, फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या टर्म इस्तेमाल करते हो तुम लोग, जो कहते हो कि भाई इसमें इतना एरर होगा मिनिमम, एक बड़ा अच्छा सा टर्म होता है इसके अंदर यार, फिजिक्स के अंदर। एपरेटस ना, हाँ जी, एपरेटस, नहीं, एपरेटस में जो एरर का चांस होता है, पैरेलेक्स एरर, एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा टर्म होता है, ध्यान से निकल रहा है मेरे, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है कि वो इतनी सर्टेन वैल्यू तक एक्यूरेसी से मेजर करता है, और उसके बाद फिर उसकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है, यस और नो? यस सर, ठीक है, तो यहां पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ग्रेडियंट माइनस द ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, अगर ग्रेडियंट से निकालना है, और अगर अनसर्टेनिटी से निकालना है तो फिर होता है अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय 2, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय 2, देन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, फॉर्मूला लिखो मल्टीप्लाई बाय 100। ये किसी और पेपर में भी काम आ जाएगा, दोबारा सुनना, 0.01 होता है ब्यूरेट के लिए बेटा, यहाँ पर लीस्ट काउंट से नहीं निकाल रहे, यहाँ पर ग्रेडियंट हमने ऊपर निकाला था, उसने कहा भी यूज योर ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट कितना आया हमारा 1.10 माइनस ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 डिवाइड बाय द ओरिजिनल वैल्यू दैट इज अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये 10% आएगा मेरे ख्याल है ना, 10% आ रहा है, भाई बोलो। तो अब एरर हमारा 5.25% से ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। आप क्या कहोगे, एज एरर परसेंटेज एरर इज 10% विच इज ग्रेटर देन 5.25%, देयरफॉर एक नंबर है, उसका मतलब क्या हुआ, एरर सिर्फ मेजरमेंट की वजह से आया, देयर मस्ट बी एनी और कॉज बाय अदर फैक्टर, इट मस्ट बी कॉज बाय अदर फैक्टर बियॉन्ड एपरेटस, यस और नो? यस सर, हो सकता है स्टूडेंट ने गलती की हो, हो सकता है और कोई मसला हो, इट इज कॉज बाय एरर बियॉन्ड एपरेटस, दैट्स ऑल। ये आपका 30 आउट ऑफ 30 मार्क का पेपर हो गया।
अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय टू, अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय टू ये करेंगे, जैसे ब्यूरेट के निकालेंगे तो 0.01 डिवाइड बाय टू हो जाएगा, इससे आंसर जो आएगा उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. Yes, sir, got it. हाँ भाई, अभी कैसा लगा ये केमिस्ट्री का पेपर 5 कंपेयर टू फिजिक्स एंड बायोलॉजी? किस और किस तरह की चीज है, आई डोंट गेट इट. इसका जैसे जैसे आपने एरर के लिए पूछ रही हो? नहीं सर, आई एम आस्किंग फॉर द ओवरऑल क्वेश्चन. ओवरऑल मैं ओवरऑल की अभी फाइल भेज देता हूं ग्रुप पे, ठीक है, जस्ट रीड फ्यू पॉइंट्स. असल में आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पेपर, आपको क्या लगता है पेपर 5 क्यों रोक के रखा होता? अगर इतना कुछ करना होता फिर रोकने की जरूरत नहीं थी. पेपर 5 में आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, एक बेसिक आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है जिससे आप सीख जाते हो कि यार क्या चीज कैसे आएगी. बिकॉज इन केमिस्ट्री देयर इज अ रिपीटेबिलिटी इन द पैटर्न, तो वो पैटर्न रिपीट होगा. आप देखना कॉनिकल फ्लास्क वाले सवाल, ब्यूरेट वाला, रिंस वाला, कलर चेंज वाला सवाल कितनी बार आएगा पेपर में. इसलिए केमिस्ट्री पेपर 5 इज नॉट दैट डिफिकल्ट. मैं अभी आपको एक फाइल भी शेयर कर दूंगा, उस फाइल से आपको कवर हो जाएगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन और आपको पास क्या होनी चाहिए. असल में अगर आपने केमिस्ट्री का एटीपी दिया हुआ है ओ लेवल्स में और आपने एएस में प्रैक्टिकल दिया हुआ है, तो दोनों चीजें अगर आपको पता है और फिर आपने पेपर 4 की थ्योरी पढ़ी हुई है, तो फिर इट्स टू इजी टू सॉल्व पेपर 5. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यानी स्कोरिंग एन ए इज नॉट अ बिग डील इन पेपर 5, ठीक है? तो एटीपी भी प्रैक्टिकल दिया है.